जी नमस्कार, मैं हूं मनोज राष्ट्रवादी और आप देखना शुरू कर चुके हैं यदु टीवी। आज हम लोग आए हुए हैं भभुआ शहर में, और भभुआ शहर में आज जो कि 18 नवंबर है, और आज 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस के रूप में, रेजांगला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज भभुआ शहर के युवाओं ने भी कृष्णा यादव के नेतृत्व में आज यादव शौर्य दिवस मनाया जा रहा है भभुआ शहर में, और उसी को हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जो कि ये यादव शौर्य दिवस जो है 18 नवंबर 1962 को जो भारत चीन युद्ध हुआ था रेजांगला की चोटी पे चुसुल में लद्दाख सेक्टर में, उसी युद्ध में जो कि 114 वीर जवान, यादव वीर जो जवान जो शहीद हुए थे उन्हीं की याद में ये आज मनाया जाता है रेजांगला दिवस के रूप में। और आज भभुआ में भी जो युवा जागरूक हुए हैं वो आज रेजांगला दिवस के रूप में, यादव शौर्य दिवस के रूप में यहाँ भी मनाया जा रहा है, जो कि बड़ी संख्या में युवा जुट के यहाँ पे ये यादव शौर्य दिवस मना रहे हैं। हम लोग युवाओं से राय जानेंगे। जी हमारे साथ ये हैं भरत यादव जी हैं। जी बताइए जी, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं भभुआ स्टेडियम के मैदान में यादव शौर्य दिवस मनाने के लिए। यादव जाति में इस देश में सबसे मजबूत और वीर हमेशा पैदा हुए, चाहे वो भारत से विदेशियों से लड़ना पड़े, भारत को हमेशा यादव जाति से संख्या में अधिक आगे बढ़ चढ़कर लड़ते रहे हैं। ऐसा इतिहास हमारे कुल में मिलता है कि राजा महाराजा यहाँ वीर लोरी बहुत से यहाँ वीर पहलवान हुए। आज हम लोग यादव शौर्य दिवस उनका आज मना रहे हैं। बहुत से वीर हमारे आज भी हैं इस देश में। सबसे अधिक सैनिक हमारा जाति का है, यादव जाति का है। आज भी कहीं भी युद्ध होता है, चाहे देहात का चाहे कहीं भी हो, सबसे अधिक यादव ही मारे जाते हैं। किसी भी शहर में कोई दंगा फसाद होता है उसमें अगली पंक्ति में यादव को ही ढकेला जाता है। अगर मरते हैं तो अधिक संख्या में यादव ही मरते हैं, दूसरे जाति के लोग। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि सेना में जिस तरह जाति के नाम पर अरेंजमेंट बना हुआ है, उसी तरह हम लोगों का सेना में अही रेजिमेंट का होना चाहिए। जी तो ये थे भरत यादव जी, और इनकी मांग है कि सेना में जिस प्रकार अन्य जातियों की रेजिमेंट है उसी प्रकार अही रेजिमेंट भी होनी चाहिए। जी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे साथ है कृष्णा यादव जो कि यहाँ पे सभी युवाओं को इन्होंने ही इकट्ठा किया है और यही अध्यक्षता कर रहे हैं यादव शौर्य दिवस का। इनसे हम राय जानेंगे कि ये इनको ये ख्याल कैसे आया कि ये यादव शौर्य दिवस आज मनाया जाए। हमारे 18 नवंबर 1962 को रेजांगला युद्ध में जो चीन से हमारा भारत लड़ा था उसको हम लोग देखते हुए, उसमें हमारे 114 वीर जवान थे जो आप लड़ते लड़ते, उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि हमारे पास हिंदुस्तान के पास न उतना मात्रा में गोला बारूद था, न कुछ था, उन लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार और बहुत मतलब कि गोला बारूद भी से भरा हुआ था। तो हमारे 114 जवान जो उसमें लड़ रहे थे, कुछ लोगों के पास जब गोलियां भी समाप्त हो गई थी, हम लोग 315 और ये क्या बोलते हैं इसको 303 राइफल से लोग लड़ रहे थे, और जबकि चाइना के पास 147 SLR इंसास जैसे अत्याधुनिक हथियार थे उससे लड़ रहे थे। अब हमारे पास भारी मात्रा में गोला बारूद होने के नहीं रहने के कारण हमारे जब तक गोली बंदूक खत्म हो गया तो हमारे जवानों ने उनसे हाथों से पत्थर से ईंट से जैसे मिला वैसे लड़े। कम से कम 114 जवानों ने कम से 1314 चीनियों को मात दी, और इनके साहस को देखते हुए, इनकी बलिदान को देखते हुए हम लोग यादव शौर्य दिवस के रूप में रेजांगला को यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और जानते हैं। हमारे भाइयों ने जो बलिदान दिया है, हमारा मांग ये है कि हमारे जो भाइयों ने बलिदान दिया है, चाहे वो कभी हो, हर युग में आप कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़िएगा देखिएगा, उसमें हर युग में त्रेता हो, सतयुग हो, कलयुग हो, किसी हर युग में हमारे धर्म से, हमारे जाति से लोग एक एक से वीर, एक एक से बलवान पैदा हुए हैं, और जो इस देश के लिए मान सम्मान आज भी जरूरत पड़ती है तो अपने इस देश के लिए मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, हर जगह आगे रहते हैं। तो हम लोग का मांग है
कि अहिर रेजिमेंट सेना में अहिर रेजिमेंट मिले, और ये हक है हमारा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, और जब तक मिलेगा अगर शांति से मिलेगा तो हम लोग अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को शांति से कम हमारा हक मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये थे हमारे साथ कृष्णा यादव, इन्होंने कहा है कि यही रेजिमेंट हम लोगों का हमारा हक है, और ये हम अपना हक मांग रहे हैं, न कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक है और ये हमें मिलना ही चाहिए, अगर ये नहीं मिलता है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी शांति से इसकी मांग उठाई जा रही है, और जो 114 यादव जवान शहीद हुए और 1300 से 1400 चीनियों को मारा था, ऐसा ही सौर्य था इन्होंने बताया। हम लोग आज जुटे हुए हैं और कृष्णा भाई के नेतृत्व में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, और हम लोग का हक है कि नहीं हम लोग इस अपना रेजिमेंट को बना के और लेकर के रहेंगे, और कृष्णा भाई के जो ये कहना है कि नहीं हम लोग आंदोलन करेंगे, तो अगर सरकार हमारी बात को इससे सहमत हो जाती है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारा रेजिमेंट बनाया जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग हरेक जिला से हरेक गाँव से हरेक जगह हम लोग इस आंदोलन को करने के लिए तत्पर हैं। हर एक युवाओं से हम लोगों से अपना वो है कि नहीं अगर मिलता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज अपना उठाएंगे। भारत माता की जय। जी तो यहाँ के युवा जो है एकदम इन लोगों का मांग है कि अगर अही रेजिमेंट नहीं बनता है तो हम लोग गांव, हर शहर, हर कस्बे से अही रेजिमेंट के लिए मांग बुलंद करेंगे और उठाएंगे। आज रेजंगला दिवस है, सबको पता है, यादव सर दिवस 18 नवंबर 1962 को रेजंगला में जो हमारे वीर अहिर सपूत शहीद हुए थे उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जो बता देना चाहते हैं कि जब युवाओं ने ठान लिया है कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए, अहिर रेजिमेंट बनेगा, जैसे भी हो बनना चाहिए, यहाँ की सरकार को भी आगे आकर मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारे इस समय देखिए सरकार हमारे रेजिमेंट पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, तो हमारी नजर अभी सरकार पर है, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग खुद छीनने की प्रयास करेंगे, और अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हम उसे छीन करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो ये थे भभुआ के युवा जो कि अहिर रेजिमेंट के लिए मांग बुलंद कर रहे हैं, और सबकी मांग है कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, और आज रेजांगला के शहीदों को जो कि 18 नवंबर 1962 के दिन शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया था, और आज श्रद्धांजलि दी गई, और सभी की मांग है कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। ये थे भभुआ के युवा। आप लोग इस चैनल को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट।